खबर यूपी के एटा जिले से है, जहां वृद्ध की कुछ लोगों के द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि वृद्ध के साथ इन लोगों की 25 सालों से पुरानी रंजिश चली आ रही थी। आपको बता दें कि पूरा मामला जनपद के थाना सटीक क्षेत्र के अंतर्गत राजपुरा का बताया जा रहा है, जहां देर रात एक 55 वर्षीय बुजुर्ग उमेश चंद्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जानकारी के मुताबिक 25 वर्ष से चली आ रही रंजिश में वृद्ध की हत्या कर दी गई है। बुजुर्ग की हत्या के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं इस मामले में पुलिस का कहना है कि घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की बारीकी से जांच की जा रही है। वहीं पुलिस के दूसरे आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय भेज दिया है। वहीं आरोपियों को पकड़ने के लिए तत्काल कार्रवाई की गई है। सर, थाना सकीट क्षेत्र में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई, क्या मामला, क्या कार्रवाई हो रही है? ये आज शाम सकीट पुलिस को सूचना मिली कि उमेश चंद नाम के व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। प्रथम दृष्टया छानबीन से पाया गया कि उमेश चंद के पारिवारिक परिजन की आज एक स्वाभाविक मौत हुई थी, जिसमें शामिल सभी लोग हो रहे थे। उसी दौरान ये घटना घटित हुई। प्रथम दृष्टया छानबीन से पारिवारिक रंजिश 25 वर्ष पुराने मुकदमे को लेकर के उसके कारण ये घटना हुई है। मौके पर पुलिस मौजूद है और छानबीन कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। राजवाटिका विवाह घर, सर्व सुविधा युक्त प्राकृतिक सुंदरता से ओत प्रोत, राजवाटिका विवाह घर में एंगेजमेंट, तिलक, शादी, रिसेप्शन, वेडिंग शूट, जन्मदिन पार्टी, जन्माष्टमी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए विवाह घर उपलब्ध। अपने मांगलिक कार्यक्रमों को यादगार बनाएं शहर के मध्य वातानुकूलित राजवाटिका मैरिज गार्डन के साथ। हमारा पता है राजवाटिका मैरिज गार्डन, नेशनल हाईवे, झूला मोड़, भुंडहा, रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9827004251।